नानी अचार पर तैयारी कर रही है, नानी जॉन ड्यूटी तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पुणे ब्लॉगर छवि में। और ये है मेरी माता श्री, उसके हाथ आप देख रहे हो हरी हरी चूड़ियाँ और वो आम का अचार बना रही है। मुझे बोली कि बेटा देखो, अगर चाहती हो कि अम्मा तुम्हारे घर पे एकदम खुश रहे, एकदम मुझे बिज़ी कर दो। लेकिन क्या चीज़ में बिज़ी कर दूँ माते, अब तुमसे तो मैं कोई काम नहीं करवाने वाली हूँ। तो कह रही अरे नहीं, मुझसे अचार मुझे बनाने को दो, मुझे बड़ी बनाने को दो, तो फिर तुम्हारी माँ बहुत खुश रहेगी। अब ये सब कुछ करने को दे दो तो मैं बड़ी खुश रहूँगी, क्योंकि इसका मतलब इसको अचार बनाना, बड़ी बनाना मेरी अम्मा को बहुत बहुत पसंद है। मेरे पूरे रिलेशन में, पूरे रिश्तेदार में अम्मा का अचार, अम्मा का बड़ी, अम्मा का ये सब कुछ बहुत बहुत फेमस है। फेमस है। तो ये अम्मा के हाथ आप देख रहे हो, सुंदर सुंदर से हाथ, जिसको मैं मेरी माता श्री ने धूप में, वो ठंडी के मौसम में वो धूप के अंदर बैठी रहती है, धूप में बैठी रहती है, और जो वो जो बॉनफायर होता है ना, वो जो गांव में लगाते हैं सामने वो उपले का वगैरह का, उसके सामने बैठी रहती है। तो पूरी स्किन इसकी जल जाती है धूप में और वो ठंड की वजह से। तो आई थी तो पूरा हाथ इसका काला हो गया था और पूरे रिंकल्स थे हाथ पे, पूरे अजीब से हाथ इसके थे। अब भी वो ठीक होते 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 होते, मतलब समझो आप 80% ठीक हो गया अम्मा का, बस 20% बचा हुआ है। वो जब एकदम से ठीक हो जाएगा ना, आप सबके साथ में शेयर करूँगी। आप तब तक अचार का कलर इन्जॉय कीजिए। दो तरह का अम्मा अचार बनाई है। आम वो कटवा करके गुड्डू लेकर के आ जाते हैं, फिर वो मस्त मुझे बोलती है बेटा ये मसाला ये कर दो, फिर दे दो मुझे और फिर मैं बना लूँगी। तो ये जो आप अचार का देख रहे हो, वो डिफरेंट डिज़ाइन में बनाई है, यानी कि ये सब कुछ खड़ा मसाला में बनाई है। और ये 2 किलो आम है उसका ये अचार बना रही है, और इसके पहले भी 2 किलो आम का वो अचार बना चुकी है। वो एकदम डिफरेंट पैटर्न में बनाई थी, ये एकदम डिफरेंट पैटर्न में बनाई है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं सच्ची क्या बोलूं, मतलब अभी तो मैं अम्मा के टमी में ही हूँ। आज तो 10 अप्रैल है और आज तो मैं अम्मा के टमी में हूँ, और अम्मा को मैं बोल रही थी कि अम्मा मैं तो तुम्हारे अभी टमी में ही हूँ। अम्मा बोली हाँ बेटा अभी तो तुम टमी में हो और पापा तुम्हारे बनारस BHU में हैं। जब मैं बॉर्न हुई थी तो उस टाइम पापा जो है BHU से पढ़े हुए हैं, मेरे पापा तो बनारस में थे उस टाइम में। और जब मैं बॉर्न हुई तो नेक्स्ट डे पापा पहले वो बनारस में, वो पापा की इच्छा थी कि प्रथम जो मेरा बच्चा हो वो बेटी ही हो। तो जब सुने कि मेरी मुझे बेटी हुई है तो पहले मंदिर गए, दर्शन किए, फिर वो आए थे मुजफ्फरपुर। तो आज मैं अम्मा के टमी में या अचार को बनते देख रही हूँ। आप सभी देखिए कि मैं टमी से क्या कर रही हूँ, है ना, मज़ा आता है। बड़ी बनाने की तैयारी हो रही है, तो करी बड़ी के लिए मैं बड़ी जो है वो मिला रही हूँ। तो एक छोटे से बाउल के अंदर बेसन है, हल्दी है, 1 पिंच जो है वो जो खाने का जो सोडा होता है वो होता है, मीन्स एक चुटकी के करीब में खाने का सोडा, और नमक, बस इन सब को डाल करके और अच्छे से मिला रही हूँ। थोड़ा सा पतला मिलाती हूँ मैं, ताकि वो जो बड़ी है ना बहुत अच्छे से फूल जाए। बहुत पहले भी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ कढ़ी बड़ी का, अभी पूरा नहीं बताऊँगी, बस थोड़ा सा बता दे रही हूँ। कढ़ाई में ली हूँ, उसके अंदर राई तेल डाली हूँ, और जो ये बड़ी है ना वो तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद उसके अंदर जो है वो बड़ी डालूँगी। और अंशु कंटिन्यू किचन में आ करके बार बार देख रहा है कि मम्मा जो है मेरे लिए बिरयानी बना रही है कि नहीं। तो मैं उसको बोली हूँ कि आज बेटा, मैं मम्मा प्रॉमिस करती है कि आज बिरयानी बनाऊँगी, तो उसके लिए बिरयानी भी बनाना है मुझे।
और ये मैं अभी बड़ी बना रही हूँ, आप देख रहे हो थोड़ा पतला हो गया, लेकिन सीरियसली सच्ची बोलूँ तो करी बड़ी में इतना अच्छे से ये मतलब फूलता है ना। थोड़ा सा खाने का सोडा डाल दीजिए, सिर्फ हल्का सा, वो मेहनत भी कम हो जाता है और बहुत अच्छे से वो बड़ी है ना वो फूलता है और बहुत ईजली जो है वो बन जाता है। तो ये जो बड़ी जो है ये जब पक जाएगा उसके बाद ये सामने वो दही को है ना वो फेंट के रखी हूँ मैं अच्छे से, यानी कि अच्छे से तोड़ करके रखी हूँ, उसके अंदर इन सब बड़ी को डाल दूँगी। और जो आप कुकर में देख रहे हो तो कुकर में मैं पापा के लिए चढ़ाई हुई हूँ जो गीला चावल होता है वो बनाए रही हूँ, और अंशु को बोली हूँ कि मेरे लिए थोड़ा सा नमक चीनी पानी बना दो। तो किचन में अंशु वही बना रहा है और साथ ही साथ वो पानी भी बॉटल सब में भर रहा है, क्योंकि 10th और 11th को पुणे में लगा हुआ था लॉकडाउन। जो लॉकडाउन था तो मीरा तो आई नहीं है, तो उस लॉकडाउन में मीरा जब आई नहीं है तो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ करना पड़ रहा है। तो पानी का भरने का ड्यूटी अंशु लिया, झाड़ू देने का ड्यूटी जो है वो गोल्डी ली है, और मैं जो हूँ एज़ यूज़ुअल खाना बना रही हूँ और जो डस्टिंग होता है वो मैं कर रही हूँ। तो बस वही है, अभी बेसन डाल दी हूँ और अभी आप देखिए गोल्डी झाड़ू लगा रही है, उसके एग्ज़ाम्स है 16th अप्रैल से, उसको मैं बोली हूँ कि बेटा सब कुछ कर रही हूँ बस झाड़ू लगा दो, तो गोल्डी दीदी झाड़ू लगा रही है। अच्छा वो जो बड़ी बना ली ना उसको दही में डाली हूँ, और उसके बाद जो थोड़ा सा राई तेल, उसके अंदर जीरा, लाल मिर्च सूखा, उसके बाद तेज पत्ता, आप चाहो तो तेज पत्ता भी डाल सकते हो यानी कि बे लीफ भी डाल सकते हो, हल्दी पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, इन सबको रख के और उसके बाद आपको वो बेसन जो है वो आपको डालना है। अभी शाम के बज रहे हैं 4:00 हो रहा है, गोल्डी झाड़ू दे रही है क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में पूरा मीन्स सैटरडे संडे फुल लॉकडाउन है, तो कोई गाड़ी और ये सब कुछ भी चल नहीं रहा है, तो मीरा कैसे आएगी। तो मैं गोल्डी से अभी झाड़ू दिलवा रही हूँ। अभी रात का खाना बन रहा है, आप देखते हो कि कढ़ी बड़ी चढ़ाई हुई है, यानी कि कढ़ी बना रही हूँ, रात में कढ़ी और फुलका है। गोल्डी को मैं बुलाई हूँ कि थोड़ा के झाड़ू दे दो, क्योंकि गोल्डी के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मतलब शुरू होने वाले हैं 16th अप्रैल से गोल्डी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। मैं बोली बेटा 10 मिनट आ जाओ और 10 मिनट में आकर के थोड़ा झाड़ू दे दो। हाँ खुद से करो तो 10 मिनट में नहीं होता, 15-20 मिनट हो जाता है, उससे ज़्यादा लग जाता है। तो गोल्डी बाजू वाले फ्लैट में स्टडी कर रही थी, तो मैं बुलाई हूँ कि आओ आकर के झाड़ू ये सब दे दो। माताश्री आज मेरी रूम पकड़ी हुई है, रूम से निकल नहीं रही है, बोल रही है कि मैं बोली हूँ क्या माते आज तुम पूरा कंटिन्यू रूम पकड़ी हो, तो हाँ बाहर निकलते हैं काम करते देख करके तकलीफ होती है, फिर रूम में चले जा रहे हैं तो मुझे कुछ करने दोगी नहीं। हमने अब मेरा यही काम बच गया है कि मैं तुमसे झाड़ू पोछा बर्तन करूँ, यही काम बचा हुआ है। भाई नहीं है तो 2 दिन खुद से हो जाएगा ना, क्या करना है, आदत नहीं है लेकिन फिर भी कर सकते हैं आप। लेकिन हम अपने माँ बाप से झाड़ू पोछा कराएंगे, बताओ आप ऐसा होता है क्या। तो दुखी होकर रूम में बैठी, ना मैं बाहर निकलूँगी ना मैं देखूँगी कि बेटी मेरी काम कर रही है, तो रूम में बैठी। चलिए मेरा करी उबल रहा है, करी वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। करी का रेसिपी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत 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 बार मैं करी का रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो करी का रेसिपी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ जो है आपको करी यहाँ पर उबल रहा है, उबाल मार रहा है करी, और ये पापा का गीला चावल बन चुका है। पीछे मेरी माताश्री जो डायलॉग मार रही हैं कि खुद से काम करो तो थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है, सफाई हो जाता है, क्योंकि अपना काम होता है। हाँ पोछा करती नहीं है ना, उस दिन उसको टोके हैं कि यार तू खड़े खड़े झाड़ू देती हो। मीरा कैसे झाड़ू देती है, गोल्डी मीरा मौसी झुकती नहीं। अच्छा बोलेंगे इतना कचरा निकला है अगर दिखाएंगे तो। अच्छा इतना, पर मैं तो रोज झाड़ू देती हूँ, ऐसे ऐसे भी हम कहेंगे कि क्या हो गया, आज तक देखी ही नहीं है, पूछ पाएंगे नहीं ना। वो हम मीरा को दिखाएंगे, जब तक दिखाएंगे उसको समझ में नहीं आएगा। चलिए माताश्री को वो कचरा देख करके टेंशन हो रहा है, और ये
माया चौधरी, माया बोलती है कि दीदी ब्लॉग बनाते बनाते प्रोडक्ट का रिव्यू भी क्या मस्त ऐड करती है। तो यस माया जी, मैं अभी फिर से रिव्यू कर रही हूँ हार्पिक का बाथरूम क्लींजर। ये यार वाकई बहुत अच्छा है। इससे कमोड वगैरह आप साफ़ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो वॉल वगैरह है ना वो सब बहुत अच्छे से साफ होता है। वाकई बहुत अच्छा, हाँ वाकई बहुत अच्छा साफ होता है। तो आप यकीन मानिए ये वाकई अच्छा है। मैं हार्पिक यूज़ करती हूँ उसके लिए और पूरा बाथरूम इससे क्लीन कर रही हूँ सीट के लिए। हाँ, और वैसे फ्लोर क्लीनिंग के लिए मैं लाइजॉल यूज़ करती हूँ। इसमें बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, बहुत सारे फ्रेग्रेंस यूज़ करते रहते हैं, ये वाला है। और मिस्टर मसल तो एकदम वाकई मिस्टर मसल है। मिस्टर मसल मुझे बहुत 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 पसंद है। कोलीन से उतना साफ नहीं होता है, कोलीन से कहीं ज़्यादा बेटर मिस्टर मसल है भाई है। तो अभी यही सब काम चल रहा है, उसके बाद मैं जा रही हूँ फुल्का बनाने के लिए। फुल्का बना लूँगी, उसके बाद जो है मैं सार लेने चली जाऊँगी। उसके बाद जो है मुझे वीडियो के लिए काम करना है। वीडियो के लिए क्या काम करना है, क्योंकि कल है 11th अप्रैल और कल है मेरा बर्थडे, तो कल के दिन जो है गिव अवे अनाउंसमेंट है, तो उसके ऊपर भी मुझे काम करना है। मीन्स जो भी विनर वगैरह सेलेक्ट की हूँ उन सबके नाम वगैरह डालना है, तो बहुत काम है आज मुझे। ठीक,